पंजाब हरियाणा भाई भाई, पंजाब हरियाणा एक है। हरियाणा के भाइयों बहनों और 160 से अधिक वहाँ पे यहाँ अभी तक सरकार सुनवाई नहीं कर रही, संघर्ष आप लोगों की जारी है, कब तक रहेगा ये? आपकी बात समझ नहीं पाया, दोबारा बोलो सर। 65 दिन से अधिक का आप लोगों का समय हो गया आंदोलन का और 160 से अधिक लोगों का वहाँ जान गई है, तो अभी तक संघर्ष आप लोगों का जारी है, कितनी उम्मीद है? देखिए, सरकार एक तरह से क्रूरता पे उतर रही है, इतनी कुर्बानियाँ शायद ही किसी आंदोलन में हुई हों। कई बंदे तो सुसाइड कर गए हैं, कई लोग एक्सीडेंटों में मारे गए हैं और वहाँ पे ठंड से, अटैक से अभी तक 150 से ज़्यादा, 160-170 के करीब लोग जो हैं अपने जानें खो चुके हैं और देश का एक बड़ा संत भी आत्महत्या कर चुका है और कई सौ लोग हमारे लापता हैं, कई सौ हमारे जेलों में हैं जिन पे अवैध तौर पे कहीं से भी पकड़ के मुकदमा बना दिया गया। दिल्ली के अंदर हमारा घुसना बंद कर दिया गया, आगे किले गाड़ दिए गए, दीवारें कंक्रीट की दीवारें बना दी गई। तो इस तरह से जो सरकार क्रूरता बरत रही है, पूरा नेट पूरे हरियाणा से बंद कर दिया गया, तो ये जो क्रूरता बरत रही है सरकार, ये सरकार के बुरे दिनों की निशानी है। हमारे तो अच्छे दिन पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन सरकार के बुरे दिन सामने नज़र आ रहे हैं और उसके बावजूद जैसे सरकार अपने गुंडों से हमला करवा रही है, जैसे उन्होंने गाजीपुर में हमला करवाया, दो बार तीन बार वो कुंडली बॉर्डर पे हमला करवा चुके हैं और वो एक तरह से भड़काने की कोशिश करते हैं, हरियाणा के अंदर कई जगह उन्होंने दंगे करवाने की कोशिश की है, वो परमात्मा की दया सारे चीज़ों को अभी तक वो नाकाम उसमें रहे हैं और हमारा जो आंदोलन है वो आगे बढ़ता जा रहा। अब हरियाणा का जो किसान है, हरियाणा के जो लोग हैं, किसान ही नहीं बाकी सभी कम्युनिटियाँ उसके साथ में बड़ा आंदोलन में कूद चुकी हैं और हज़ारों ट्रालियाँ रोज़ाना हरियाणा से जो है वो जा रही हैं और जब हरियाणा का किसान, जब हरियाणा के लोग आंदोलन में कूदते हैं तो फिर ये आर पार की करके हटते हैं। जैसे एक बार ये कह रहे हैं, मन की बात की है और कह रहे हैं कि भी एक कॉल का ही फासला है। देखिए, पता नहीं वो कॉल कब होगी उनकी, हम तो रात को 12-12 बजे तक उड़ीक करते हैं कि उनकी कॉल आ जाए, अभी तक तो आई नहीं हमारे पास, आगे आने की उम्मीद नहीं, ना वो अपना नंबर बताते हैं कि हम उनको कॉल कर ले, कौन सी है कॉल की दूरी पे है। लगातार अतकंडे बना रही है, कभी बैरिकेड्स, कभी नेट, कभी 144। हमारे ऊपर तो जो कर रही है जो कर रही है, दुख इस बात का है पत्रकारों में भी करना शुरू कर दिया, दो पत्रकारों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, उठा के ले गए, एक अभी जेल में है, उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो जब पत्रकारों पे भी हमला शुरू करना शुरू कर दें, जनता पे भी हमला करना शुरू कर दें, तो फिर तो जो है वो सरकार का जो ये नैतिकता सरकार अपनी खो चुकी है और उनको रिजाइन अपने से कर देना चाहिए। 26 तारीख के बाद जिस तरह के हथकंडे अपनाए सरकार ने, उसके बाद राकेश टिकैत जी के आंसू जैसे उन्होंने बहाया भावुक होकर, तो उस आंसू के बाद लोगों में किस तरह का वो भावना है? देखिए, आंसू क्या, हम तो अपना खून भी बहाने के लिए तैयार, अगर जरूरत पड़ी वो ही बहाएंगे, लेकिन जिस गुलामी में देश फंस रहा है उस गुलामी में देश को रहने नहीं देंगे, उसके लिए जो भी कुर्बानियाँ करनी पड़े सो करेंगे। ये नहीं है कि देश को जो हमने खून दे के आज़ाद कराया, आज हमारे जो जवान हैं, जो हमारे बेटे हैं, आज तिरंगे में लिपट लिपट के आते हैं और ये कहते हैं तिरंगा हमारा है, इनके बाप का है तिरंगा, इन्होंने तो 60 साल में आरएसएस ने अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, ये हमें तिरंगे का पाठ पढ़ाते और तिरंगे के नाम पे लड़वाते हैं, तिरंगा हमारी आन बान शान है और इनका कोई हथकंडा कामयाब नहीं होगा। एक वीडियो वायरल हो रही है अभी, जाम किए जा रहे हैं, उसका कोई असर होगा 6 जनवरी को जो हाईवे जाम किया जाने जी 6 जनवरी को, छह फरवरी को हम 3 घंटे के लिए 12 से 3 तक पूरे देश के हाईवे जाम कर रहे हैं और पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं जाती, हर चोट पत्थर को कमजोर करती है और ऐसे ही हर चोट बीजेपी को कमजोर करेगी। सर, कल बजट पास हुआ है, उसमें सर 75 पीएम केयर फंड में 75,000 करोड़ से घटाकर 65,000 करोड़ कर दिए किसानों का। देखिए, पूरा बजट जो है वो जो खेती का बजट है, जो पिछले साल 5.1% था, इस साल 4.3% रह गया है, यानी खेती को और कमजोर करने की साजिश। जैसे पहले आप लोगों को था कि सांसद घेरने की बात थी उसको लेके, हालांकि आप लोगों ने वो वापस ले लिया, वो थोड़ा उसके बावजूद भी बैरिकेड लगाना और जैसे कांटे वाली तार लगाना सड़कों पे, जिस तरह एक तरह से पक्के दीवार। देखिए, एक बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो माहौल जानबूझ के बीजेपी ने खराब किया था और अब जहाँ तक ये कंक्रीट की दीवारें बना रहे हैं और जो है वो कील गाड़ रहे हैं,
अरे हम तो चीन की दीवार कूदने की क्षमता रखते हैं। अब इनके कोई केस दर्ज नहीं हुआ, किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई? किस पे? जिन्होंने तिरंगा झंडा वहाँ पे निशान चिन्ह चलाया। कोई कार्रवाई कैसे होगी? बीजेपी के दलाल है वो, बीजेपी के दलाल है, आरएसएस के चेले चपाटे हैं उन पे। वीडियो वायरल हो रही है अभी, दिल्ली पुलिस लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ये बीजेपी के माने हैं आरएसएस के? ये सारे बीजेपी के और आरएसएस के दलाल हैं, और किस पे लट बजाएंगे? देश की जनता पे। और जब वो गांवों में घुसेंगे फिर हम क्या उनका क्या हाल करेंगे वो नहीं जानते वो? सर, वो शायद वो दिन भूल गए हैं। आपकी मांगों को लेकर आप लोग कितने नजदीक पहुंच चुके हैं मांग मनवाने के लिए? देखिए अभी कोई नजदीक नहीं पहुंचे, अभी सरकार ने कुछ नहीं माना है और अभी तक तो लटका रहे हैं। थैंक यू। नेता काला कन्नौजी मौजूद है, इनसे बात करेंगे आज किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि लगभग 65 दिन से ऊपर हो चुके हैं और सरकार फिर भी अभी किसानों की मांग नहीं मान रखी है, और इसमें काफ़ी किसानों की किसान शहीद भी हो चुके हैं। और जिस प्रकार सरकार अभी तैयारी कर रही है, बात करूँ मैं गाजीपुर बॉर्डर की, सिंधु बॉर्डर की, तो उसको लेकर हम काला कन्नौजी से चर्चा करेंगे, और साथ में चर्चा करेंगे जो कल बजट पास हुआ है उसको लेकर, जो कृषि के ऊपर जो सरकार ने बजट पास किया उस पर बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। जो अगर मैं बात करूँ जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, जिस तरह अच्छा अच्छा लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद में कंटीले तार लगाए गए हैं और बड़ी बड़ी सड़कों को खोदकर में किले लगाई गई, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं तो एक के बात कहूँ, ये तो अपना देश की थी, किले लगवा दी, बड़े बड़े ट्रकों में मिट्टी भर के खड़े करवा दिए या बजरी क्रेशर से कांधे चिनवा दी। इन पैसे पूरा अपना देश में कोई सामान नहीं हो, अगर दूसरा देश तो मंगाना चाहे तो मंगा सका है, जिस दिन हमारा ऐलान होगा नहीं, ना तो ये तेरी लोहे की कील पांदी, ना तेरे ये माटी के बड़े ट्रक पांदे, ना ये सीमट की बजरी क्रेशर की कांध पांदी। किसान आगे कुछ नहीं अटकेगा, ये 100 फुट तलत है, खोद के पानी काढ़ लिया हुआ है, तो या तो दीवार है छोटी को कील की को कहेगी, ऐसी बातों से किसान नहीं डरने वाला, और सरकार अपना जितना जोर लगाना लगा ले, किसान पर कोई असर नहीं चीजेगा। पीछे कुछ दिनों पहले वहाँ पथराव हुआ, तो उस पथराव को लेकर 2-3 पत्रकारों ने उसको पथराव को उजागर किया, तभी किसने किया पथराव, तो उसके बाद में उन पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया और अब तक उनका कोई पता नहीं लग रहा, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? या सरकार की में भी कर सका, पत्थर मारने वाले ना तोड़े के लोग थे, सिर्फ आरएसएस के और बीजेपी के गुंडे थे, 29 पत्थर बरसाए हैं और किसी का खोट नहीं है, कोई किसान कोई उड़ा गामा के नज़दीक ऐसा कुछ नहीं था, कोई लोग नहीं थे, वह किसान है, मजदूर है, वह खुद का दर्द समझा है, वह क्यों पत्थर बरसाओगे? जिस प्रकार बात करूँ, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 6 सालों में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक, परंतु जिस प्रकार से कल कृषि बजट पास किया गया है तो उसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि सरकार किसानों की आय दुगनी करने के मूड में, क्योंकि जो पीएम केयर फंड में किसानों को 2020 में 75,000 करोड़ का बजट था वो अब 65,000 करोड़ का रह गया, 10,000 करोड़ उसमें घाटा कर दिया, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? यो अपनी 2-3 साल पीछे 3.5 लाख कर्ज तला दबके किसान 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर गए, ये 2022 में इनका टारगेट है 7 लाख या 8 लाख किसानों का आत्महत्या करने का सरकार का, ये आमदनी दुगनी नहीं करेंगे, जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसको 2 गुना करेंगे, ऐसे बोझ डाल दोगे उनकी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, वे अपना परिवार नहीं चला पाओगे, उसकी वजह से उनकी आत्महत्या करनी पड़ेगी, अपना परिवार को भूखा मरता कोई नहीं देख सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसी हालात बना दी, जो मान ले पूरा का पूरा परिवार जो पेट का सवाल है मान ले वो ख़त्म कर दिया, अगर पेट खाने को कुछ नाज नहीं होगा नहीं, पैसा दे लगी तो देखी जाएगी, अगर खाने को नाज नहीं होगा नहीं, ये किसान कैसे बचेंगे, ये किसान कौम कैसे बचेगी, ये बाढ़ कहाँ से पाड़ेंगे, इनके और भी खर्चा करके वहाँ कहाँ से निकाले। नरेंद्र मोदी ने किसानों से कुछ नहीं लेना, या किसान विरोधी सरकार है, जो भी जितने गलत काम करे या किसानों के साथ इस सरकार ने करे है। 6 फरवरी का जो चक्का जाम करने वाले पूरे देश में, उससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, किस प्रकार से रहने वाला है? बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है, एक बात बता, ये शुरुआत में जब 26 तारीख को हमने दिल्ली कुछ करना था, उस टाइम भी कुछ आदमी कह रहे थे दिल्ली जाने से क्या फर्क पड़ेगा, आज आपकी आँखा आगा है, पूरा की पूरी चुगरदा दिल्ली सील है, जब भी कोई आदेश मिलेगा तो दिल्ली के अंदर भी घुस जाएंगे, वो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे नेताओं का आदेश है भाई सिर्फ 6 तारीख को अपने अपने जितने नज़दीक आए हुए इलाका है उन आए हुए पर बैठो, 3 घंटे के लिए उसको रोको, या एक चेतावनी है सरकार पर, अब भी मान जे भगवान सतबुद्धि देव है इस प्रधानमंत्री ने, यो मान जे किसानों की बात समझ में आ जाए, जे इनके आंसू तो रोने लग गए नहीं है, इनके आंसुओं से पूरी दुनिया में सैलाब आ जाएगा, इंसान नाम की चीज़ नहीं बचेगी, फिर यो कल्ला उरे बैठ के हिंदुस्तान में के कर लेगा,
ये 5-7 इसके अंडानी अंबानी, यो जनता ही नहीं रहोगी, राज किस पर करेगा। तो जिस प्रकार मोदी जी का बयान आया 3-4 दिन पहले कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर समाधान है, ये सारे झूठे पे बन रहे उसके फोन। जब हमने नू कह दिया, मैंने तेरे लग एक बात कह दी, बतन्ना मेरे लग 2 रुपये देने हैं और बेरा पटिया पर 2 रुपये देने हैं। वह तो बात हमारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और फसलों के दाम, सिर्फ यह मांग है। या बेटे बेटे कह दो मीडिया तो, हमने मीडिया ने बुला के और कह दो हमें मान जाएंगे, मर ये 2 मांग कर दे पूरी। मांग एक के है, 2 भी को नहीं, एक है बाओर स्वामीनाथन। और ये जो सोशल मीडिया किसान ने बिल्कुल उठा रही थी, इनकी आवाज़ समझा कर दी, इनका दर्द समझा कर दी, ये इनको सोशल मीडिया के भाइयों को पत्रकारों अकेला ना समझे, किसान इनके साथ खड़ा है। ये धड़ पकड़ कर रहे हैं, कहीं कहीं इनको उठा रहे हैं, ऐसा कुछ करेगा जे किसानों को दोबारा इस आंदोलन की तरह इन भाइयों के लिए आंदोलन लड़ना पड़ेगा। मैं तो पहले सिद्धू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जो हुआ ना, जो 26 तारीख को जो लोग गए थे परेड के लिए, वो लोग वापस वहाँ से चल पड़े, और उसके बाद जिस तरह से इन लोगों ने राकेश टिकैत को घेरने की कोशिश की है, वहाँ बीजेपी के गुंडे गए हैं, बीजेपी का विधायक गया है, उन्होंने हाथों में लठ लेकर और जिस तरह से राकेश टिकैत पर हमला करने की कोशिश की, उनको जान से मारने की कोशिश करी पहले, और वो इतना भद्दा बोले है मीडिया में, गाड़ियाँ निकाली है, गद्दार कहा है, पता नहीं क्या क्या कहा। तो मैं तो ये सबसे पहले तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से, भाई उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। फिर उसके बाद जो सिद्धू बॉर्डर पे जो किसानों के ऊपर हमला हुआ है, जो पत्थरबाजी हुई है, पुलिस वहाँ मुख दर्शक बनी रही, उन एक किसी सरदार ने अपने बचाव में तलवार निकाल ली, उसने किसी को तलवार नहीं मारी, उसने सिर्फ अपने हाथ में ले रखी थी, उस तलवार से किसी SHO का थोड़ा बहुत हाथ खरोच आ गई होगी, उसके ऊपर तो 307 का मुकदमा, और बाकी लोगों को किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, उनको पुलिस के संरक्षण में और लठ डंडों से वो किसानों को पीटते रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, तो उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा किया जाए जिन लोगों के। और जो टीकरी बॉर्डर पर है पत्थर डलवा रखे हैं 2 ट्रक हैं, वो पत्थर किस लिए डलवा रखे हैं, किसने डलवाए हैं वो पत्थर, पुलिस है वहाँ पर है, वो पत्थर पुलिस ने डलवाए होंगे। तो फिर किसानों को आप क्यों गद्दार और देशद्रोही कहते हो, ये जगह जगह खाइयाँ खुदवा रहे हैं, जगह जगह रोड को रोक रहे हैं, क्या मतलब है इसका, क्या देश की राजधानी में कोई जा नहीं सकता, क्या किसानों का कोई हक नहीं है, किसानों का कोई अधिकार नहीं है। सारे जो भी किसान 26 जनवरी को दिल्ली में गए हैं, सभी ने अपने अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगा रखा था, सभी के हाथ में तिरंगा था, बताओ उनको गद्दार बता रहे हैं, वो गद्दार है देश के। ये सरकार अब भी समय है समझ जाए, वरना किसान इनको अच्छी तरह समझा देगा, किसानों का अच्छी तरह समझाना आता है। और आज ये नांदेड़ी टोल प्लाजा भी देख लो आप, कम से कम 50,000 की संख्या है, किसानों में इतना बच्चे बच्चे में इतना रोष है, इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा जड़ से। ठीक है, धन्यवाद। जिस प्रकार देख सकते हैं किसानों का कहना है कि जो भी 26 तारीख के बाद में हुआ या जो 26 तारीख को हुआ या जो भी हो रहा है उस पर किसानों को काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि जिस प्रकार से किसान जा रहे हैं, किसान अपना हक मांग रहे हैं, ना किसी दूसरे का हक मांग रहे, तो किसानों में इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है। हमारे साथ बाकी और भी किसान, इनसे बात करें जी। क्या नाम है आपका? राजवीर नाम है। कहाँ से हो आप? लाडवी से जी। लाडवी से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि जो भी सरकार की जो भी प्लानिंग रही है या भी जो भी किसान आंदोलन को तोड़ने की प्लानिंग रही है, सारी फेल रही है अब तक, आगे भी फेल रहेगी, क्योंकि जो कानून ले मोदी करे, ट्रैक्टर लेके गए हैं और गए हैं, क्या हमारा हक नहीं है क्या वहाँ जाने का? ये कानून वापसी लेना पड़ेगा मोदी को, चाहे एक दिन मैं मेरे टूर्नामेंट करवा रखी है जी लाडी में लेदर की, वो करके बंद है ट्रैक्टर ट्राली और वो सारा लेके आया हूँ किसानों के लिए, खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव है जी, मेरा गाँव लाडवी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? मैं कहना चाहूँगा जी, हम बिल्कुल किसानों के साथ है, तीनों काले कानूनों के खिलाफ हैं, क्या हमारा दिल्ली में जाने का हक नहीं है क्या? ये हमारे कानून को तोड़ने की पूरी साजिश कर रही है सरकार, हम बिल्कुल इनके खिलाफ है, सरकार अपने बंदे भेज रही है किसानों को भड़काने के लिए, हम 1% भी नहीं भड़केंगे भाई साहब, बिल्कुल नहीं भड़केंगे, और ऐसे ही तन मन धन से किसानों के लिए समर्पित हो जाएंगे। सब कुछ खाने पीने का इंतजाम है जो किसान करते हैं, अगर किसान नहीं होंगे, खेती नहीं होगी तो खाएंगे क्या, मोदी क्या खाएगा, ब्रेड खाएगा या सैंडविच खाएगा, कितने दिन खाएगा? ब्रेड बनेगी तो भाई, ब्राउन ब्रेड बनेगी तो भी भाई, गेहूं से बनेगी, हर चीज़ गेहूं से बनती है, इसके बिना कुछ नहीं है भाई, किसान के बिना। किसान एकता जिंदाबाद। ठीक है।